हेलो फ्रेंड्स, सेक्स एजुकेशन विथ मनोज की एक न्यू एंड फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि फोर प्ले इज द की ऑफ बेटर सेक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। यदि आप संभोग के टाइम पे सही वे से फोर प्ले नहीं करते हो तो आपकी जो संभोग की टाइमिंग है इंक्लूडिंग योर पार्टनर सेटिस्फेक्शन इट विल बी इशूज। मतलब ये आपको आगे दिक्कत आ सकता है, आगे मतलब उसी सिचुएशन पे ड्यूरिंग टू इंटरकोर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझना होगा, एक होता है आउटर, एक होता है इंटरकोर्स। आउटर में आउटर होता है जो कि फोरप्ले आप करते हो जब उसको आप कर सकते हो आउटर। तो फ्रेंड्स, इंटरकोर्स होता है जब आप आपकी पेनिस को वजाइना में एंटर करते हो, दिस इज कॉल्ड इंटरकोर्स। सो फ्रेंड्स, आपके मन में ये चीज़ आता होगा कि ओनली फॉर पेनिस को वजाइना के अंदर एंटर करना ही सेक्स होता है, वो बिल्कुल गलत बात है। फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, सेक्स जो एक प्लेजरेबल मोमेंट्स होता है उस चीज़ का, उस हसीन पल का लाभ लेने के लिए, यानी को उस चीज़ को, उस मोमेंट को बिल्कुल एंजॉय करने से, यानी कि आप यदि करना चाहते हो तो आपको तो पहले फ्रेंड्स फोर प्ले की बहुत ही रिक्वायरमेंट है। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये नहीं है कि आप ओनली फॉर इंटरकोर्स कर रहे हो जो कि हाफ एन आवर होता है, एक घंटा होता है, या किसी का दो मिनट से नीचे जो एयरली डिस्चार्ज हो जाता है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, उसके बारे में भी हम बात किए थे और काफ़ी सारे टेक्निक मैंने चीज़ आपको उस चीज़ में उस वीडियो के दौरान मैंने आपको बताया था। तो अभी बात यहाँ पर ये है कि आप जब फोर प्ले कर रहे हो उस सिचुएशन पर आपको आपकी पार्टनर के साथ कैसे बातचीत करना चाहिए, किस वजह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो सारे डिटेल्स आप यदि जानना चाहते हो तो आपको मैंने प्लेलिस्ट सेपरेटली है, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर भी आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि जो फोर प्ले है द की ऑफ सेक्स, तो आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ, फोर प्ले में ये होता है फ्रेंड्स जब आप दोनों की एक माइंडसेट हो जाता है उसी सिचुएशन पर कि आप संभोग करने जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो फ्रेंड्स, फीमेल बॉडी की इतने सारे पार्ट्स से जो कि कामुक्त हो जाता है, यानी कि सेंसिटिव एरिया होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लिप्स होते हैं, निपल्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, बेलीफ होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है, तो उस चीज़ को आपको सहलाना चाहिए, उनको ज़्यादा उत्तेजित करने के लिए उस हिसाब से सेक्चुअली बात करना चाहिए। उसके बाद ये सारे चीज़ मिनिमम, तो आपको हाफ एन आवर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपको हाफ एन आवर जो है फोर प्ले करने की बहुत ही ज़रूर है। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और जो है फोर प्ले करने के बाद आप फिर इंटरकोर्स करोगे, तो उस हिसाब से आप उस सिचुएशन की भरपूर लाभ ले सकते हो फ्रेंड्स। तो ये आज के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, फिर बात करेंगे एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए खिफ वाची।